वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यशाची गुरु किल्ले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो चैप्टर है 10 का, उसमें प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्रैमर्स रूल बेस्ड एग्जांपल्स है। उसके लिए पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है। वो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है उसकी एक एक्टिविटी देखेंगे हम, और उसके बाद में हम क्रैमर्स रूल की एक्चुअल सॉल्व करने की दो एक्टिविटी देखेंगे, जिसके लिए 2 मार्क्स आते ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा जाता है। तो पहले हम ये देखते हैं 1.3 का फर्स्ट सम, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। ये जो साइन रहती है, ये स्टैंडिंग लाइन की, ये रहता है डिटरमिनेंट 3, 2, 4, 5। तो हमें ये कैसे सॉल्व करना होता है, पहले हम 3 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 into 5। बाद में माइनस साइन हमेशा हम देते हैं और 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 लिखा है, क्या नहीं लिखा है, 2 नहीं लिखा है, तो 2 into 4 आएगा। 3 into 5 मल्टीप्लाई किया तो 3 5 15 -8, 15 -8 आता है 7। सो फाइनल आंसर इज 7। अभी हम एक एक्टिविटी देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय डिटरमिनेंट मेथड। अभी डिटरमिनेंट मेथड क्या रहती है, तो जो इक्वेशंस है उसमें से हमें वेरिएबल जो रहते हैं एक्स वाई एम एन ए बी, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने रहती है। वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हम डिटरमिनेंट यूज करते हैं। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 इक्वेशन दिए हैं, 2x + y = 19, 2x - 3y = -3। नॉर्मली ये इक्वेशन को हमने अगर कंपेयर किया इस इक्वेशन से, ax + by + c = c, तो a है ax, a जो है वो x का कोएफिशिएंट है, b जो है वो y का कोएफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो d हम कैसे लिखते हैं, d के लिए हम फर्स्ट कॉलम जो है उसमें x के कोएफिशिएंट लिखते हैं, और जो सेकेंड कॉलम है उसमें हम y के कोएफिशिएंट लिखते हैं। ठीक है, तो हम d में क्या लिखेंगे, पहले x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में कौन सा है, 2, दूसरे इक्वेशन में कौन सा है, 2। अभी y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है और -3। वैसे ही हम dx लिखेंगे, dx के लिए x की जगह पे c कांस्टेंट टर्म लेते हैं, और बाद में सेकेंड कॉलम जो रहता है वो y रहता है। तो c क्या आया हमारा, 19 -3, और y क्या मिलेगा हमें, y as usual 1 -3। वैसे हम ये पहले x dx और dy लिख के लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे हम। dy के लिए पहले रहता है x, बाद में रहता है y की जगह पे c। x means coefficient of x, what is coefficient of x, 2 2, so here we write 2, और constant of c 19 or -3, so here we write -3। अभी हम dx और dy हमने पूरा लिख दिया, अभी हमें सिर्फ इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, 2 हमने पहले सम में देखा, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into -3 -1 into 2 या 2 into 1, तो यहाँ पे 2 दिया है, हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 into -3 क्या आएगा, -6, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 into 1 क्या आएगा, 2, -6 -2 दोनों की एडिशन करेंगे हम, और हमें क्या मिलेगा, -6 -2 -8। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे, 19 into क्रॉस में क्या आएगा, -3, बीच में कौन सा साइन रहता है, माइनस साइन रहता है, 1 into -3, 1 into -3, तो 19 into 3 कितना आएगा, 57
-57 माइनस, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, 1 × -3 -3 तो ये -57 और माइनस माइनस क्या होगा +3 होगा, तो कितना आया हमारा आंसर 54। ठीक है, अभी हम वैसे ही डीवाई सॉल्व करते हैं। डीवाई क्या आएगा, 2 × -3 दैट इज 2 × -3 और फिर बाद में माइनस साइन डालते हैं हम बीच में, क्या आता है 19 × 2 तो 2 × 3 क्या मिलेगा हमें, +(-), 2 × 3 क्या होगा -6 -19 × 2 -38 -6 -38 कितना आएगा 14। बाय क्रैमर्स रूल वी गॉट, क्रैमर्स रूल के लिए x का फॉर्मूला है dx/dt और y का फॉर्मूला है dy/dt, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो x is equal to dx/dt, what is dx, it is -54 और what is d, d is determinant d -8, यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा, 8 की टेबल में 54 नहीं आता है तो हम 2 से कट करेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 सो हमारा फाइनल आंसर क्या है x का 27/4। वैसे अभी हम y फाइंड आउट करेंगे, y is equal to dy/dt, what is dy, dy is -44 and what is d, d is -8 so here we write -8, minus minus get cancel, 8 के टेबल में 44 भी नहीं आता है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 सो व्हाट इज द आंसर ऑफ y, 11/2 therefore x comma y, x की वैल्यू हमें क्या मिली 27/4 और y की वैल्यू हमें क्या मिली 11/2। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी हम अगली एक्टिविटी देखेंगे कि जो कि वो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 में है। अभी इसमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं हमें, 3x - 2y = 3, 2x + y = 16। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट इन द गिवन इक्वेशन, मींस हमें डिटरमिनेंट d, dx, dy फाइंड करना है। d कैसे फाइंड करेंगे, d के लिए हम क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x वो दिया हुआ है हमें 3, 2, फिर कोएफिशिएंट ऑफ y लिखते हैं हम -2, 1। अभी ये डिटरमिनेंट हम सॉल्व करके लेंगे, कैसे करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे एक्टिविटी सॉल्व करते वक्त हमें बॉक्स में डायरेक्टली आंसर लिखना होता है, उसके स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो स्टेप्स है हम रफ वर्क करेंगे। तो कैसे आएगा, 3 × 1 -2 × 2 -2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 = 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 × 2 = 4, 3 + 4 आएगा हमारा आंसर 7। अभी dx लिखने के लिए हम x की जगह पे कांस्टेंट टर्म c लेते हैं और y वैसे ही रहेगा -2 और 1, कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी 3 और 16 c। ठीक है, अभी हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली करती हूँ मैं, अभी 3 × 1 आएगा 3 माइनस -2 × 16, 16 × 2 = 32, -×+-, सो -32 आया, 3 + -, क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, 3 + 32 क्या मिलेगा हमें फाइनल आंसर 35। अभी हम dy देखेंगे, dy कैसे लिखते हैं, यहाँ पे x ही रहता है, x की कोएफिशिएंट ही रहते हैं और सेकेंड कॉलम में y की जगह पे हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं, तो 3 × 2 C क्या है 3 × 16, इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 16, 16 × 3 = 48 -3 × 2 = 6 तो 48 -6 क्या मिलेगा हमें 42।
फाइंड द वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल क्या है? x x is equal to dx upon d, y is equal to dy upon d. तो अभी हमें सिर्फ dx की वैल्यू और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. व्हाट इज dx? dx इज 35 एंड व्हाट इज d? d इज 7. सो 35 अपॉन 7, 7 के टेबल में है 35, 7 वन था 7 5 था. सो व्हाट इज x? x इज 5. अभी हम y फाइंड आउट करेंगे. कैसे? dy अपॉन d. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy? dy इज 42 एंड d is 7. तो 7 के टेबल में 42 है क्या? 7 6 जा 42. सो व्हाट वी गेट? x comma y is 5 comma 6. This is the solution of given equation.